धर्म संकट में फंस गया है ईशान, किसका देगा साथ? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे किस तरह से बेचारा ईशान अभी से ही परिवार वालों और होने वाली पत्नी के बीच में फंसने वाला है। वेल, हमने सभी को होने वाली पत्नी क्यों कहा ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि सभी और ईशान की शादी होना तो तय है, क्योंकि अब धीरे धीरे ईशान के मन में जो सभी के लिए कड़वाहट थी वो खत्म होती हुई जा रही है, क्योंकि ईशान को पता चल चुका है कि सभी बेगुनाह है। उसने जो जो चीजें, जो जो ब्लेम सब पर लगाए हैं, वो पूरी तरह से सच हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा परिवार जो है वो सभी के ही आगे पीछे घूमा जा रहा है। अब सबको लग रहा है कि भाई सभी जो है वो कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा दे, वही ईशान जो है वो तो न्याय दिलाने के लिए सभी को अपने ही परिवार के खिलाफ जाने वाला है। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होगा सीरियल के आने वाले ट्रैक में। बस सबसे पहले आज आप जहां देखेंगे कि अनवी ईशान को जाकर बता देती है कि उन लोगों ने क्या क्या किया है, साथ ही सभी जो है वो पूरी तरह से सच कह रही है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, सबने उसके साथ बदतमीजी की थी, उसको छेड़ने की कोशिश की थी। अब ये बात ऐसे ही ईशान को पता चलेगी, ईशान तो भाई आग बबूला हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कैसे ईशान ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ये फैसला ले लिया है कि वो सभी को न्याय दिलवाएगा, जिसके लिए अब सुरेखा जो है वो नया ढोंग करने वाली है। आप देख सकते हैं सीरियल का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिस प्रोमो को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि भाई ईशान जो है वो बुरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि सुरेखा उसको अपनी चाल में फंसाएगी। लेकिन क्या ईशान को इस बीच सुरेखा की असलियत का पता चल जाएगा कि सुरेखा किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से सुरेखा जो है ईशान के सामने बैठी हुई है, जहां उसने ईशान को अपने सामने बिठाया हुआ है और कह रही है कि भाई एक काम करो ईशान, तुम्हें मेरे और परिवार वालों के बीच में पता है ना क्या बॉन्ड है, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझे बड़ी आई कहते हो, तो बड़ी आई की बात नहीं मानोगे, प्लीज मेरी बात मानो और एक काम करो कि तुम सब कुछ ठीक कर दो, इस बात को यहीं खत्म कर दो, ताकि सभी को न्याय भी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, बात रही सभी के न्याय की तो वो सब कुछ होता रहेगा, लेकिन यहाँ तुम्हारी बहनों की इज्जत का सवाल है, अगर उन पर उंगली उठी तो बहुत गलत हो जाएगा। वहीं आप ये भी देख सकते हैं कैसे ईशान जो है बहुत परेशान नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सभी जो है वो भी सोच रही है कि उसे न्याय तो मिलकर रहेगा। हरिणी और उसका हस्बैंड उसके सामने खड़े हैं, जहां सभी ने बोला है देखना अब ताई, मुझे एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं एक गुंडे की भी एंट्री हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि उस गुंडे को भी भाई भिजवाया है सुरेखा ने, ताकि सभी पर हमला कर सके। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा सीरियल के आने वाले ट्रैक में क्या क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।